नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करने वाले हैं पाठ संख्या 5, और पाठ संख्या 5 का शीर्षक है राजा और प्रजा। तो चित्र पर आधारित गतिविधि है यहाँ। जल ही जीवन, जल ही जान, जल के बिना दुनिया वीरान। जल हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, क्यों जरूरी है हमारे जीवन के लिए जल, विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करो। तो आपको विचार व्यक्त करने हैं और हम कर रहे हैं पाठ में प्रवेश। जल के बिना धरती पर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। चाहे वे जीव जंतु हों या पेड़ पौधे, सभी पृथ्वीवासियों के लिए जल जीवन का अभिन्न अंग है। धरती पर लगभग 75% जल है, लेकिन पीने योग्य जल मात्र 2.7% ही है। इस जल पर सभी प्राणियों का अधिकार है। पानी की बर्बादी हमारी बर्बादी को समझना होगा, लोगों को सचेत करना होगा। पानी की है हर बूंद बचानी, घर घर की हो यही कहानी, यह नारा सभी देशवासियों का हो। राजा और प्रजा का रिश्ता भी पानी और मनुष्य के रिश्ते जैसा महत्वपूर्ण है। आइए पाठ के साथ पढ़कर देखें कि जल की कड़ी ने राजा को प्रजा से कैसे जोड़ा। ग्रीष्म ऋतु और दोपहर का समय था। सूर्यदेव के पूर्ण तेज से पृथ्वी तप्त हो रही थी। ऐसे ही समय में 4 घुड़सवार, जिनका वेश शिकारियों जैसा था, एक और चले जा रहे थे। इनमें से 3 तो लगभग 25-25 वर्ष के थे और 1 20 वर्ष का था। चारों की पोशाक एक ही रूप रंग की थी। सबके पास एक एक दोनाली बंदूक और तलवार थी। देखने में वे सभी किसी धनाढ्य परिवार के मालूम होते थे, क्योंकि सबके पास जो चीजें थी वे अच्छी थी, विशेषतः उस युवक के पास जो सबसे छोटा था। लू के थपेड़ों से ये लोग परेशान हो रहे थे, क्योंकि बहुत गर्मी थी। हठात नवयुवक ने अपना घोड़ा रोका। उसके साथ अन्य 3 युवक भी रुक गए। नवयुवक ने अपने गले में पड़े हुए फील्ड ग्लास को उठाकर चारों ओर देखा। तत्पश्चात साथी से बोला, इधर तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लगता है बहुत दूर निकल आए हैं। तो चलो, सामने जो वृक्षों का झुंड है उसी की छाया में ठहरें। घोड़ों को बांधो, धूप ढल जाने पर चलेंगे। चारों घोड़े वृक्षों से बांध दिए गए और उनकी पीठ पर बिछे कंबल निकालकर भूमि पर बिछा दिए गए। एक युवक ने नवयुवक से कहा, आइए बैठिए। नवयुवक कंबलों की ओर देखकर किंचित खिन्न भाव से बोला, क्या बैठें, बड़े जोर की प्यास लगी है। इस समय एक गिलास पानी के लिए मैं सब कुछ दे सकता हूँ। पानी इतनी मूल्यवान वस्तु है, यह कभी कभी ही मालूम पड़ता है। नवयुवक की यह बात सुनकर 3 युवक अधीर हो उठे। एक ने दूसरे से कहा, चलो हम तुम पानी की खोज में चले। वे दोनों युवक अपने अपने घोड़े पर जीन कसकर चल दिए। उनके जाने के थोड़ी देर पश्चात एक देहाती लोटा डोर कंधे पर डाले हुए सामने से आता दिखाई पड़ा। नवयुवक ने अपने साथी से कहा, इसे बुलाओ। दूसरे युवक ने हाथ के इशारे से देहाती को बुलाया। देहाती के आने पर नवयुवक ने उससे पूछा, क्यों भाई, तुम इधर के ही रहने वाले हो? देहाती ने दोनों को सिर से पैर तक देखकर कहा, हाँ साहब, रहता तो इधर ही हूँ। युवक ने पूछा, यहाँ कहीं पानी मिल सकता है? देहाती ने कहा, मिलना तो चाहिए, तो लाओ कहीं से, हम लोगों का प्यास के कारण दम निकल रहा है, तुम्हें इनाम मिलेगा, नवयुवक बोला। देहाती बोला, मेरे पास तो यही लुटिया है, आपके पास कोई लोटा ओटा है? नवयुवक ने साथी की ओर देखकर विषादपूर्ण स्वर से कहा, देखो भाग्य की बात, दोनों फ्लास्क अभी वे दोनों
ले गए। कौन दोनों? जो कि पानी की तलाश में घोड़े पर गए थे। साथी ने कहा, मैं इसके साथ चला जाता हूँ, मैं वहीं से पी आऊँगा, आपके लिए लोटे में ले आऊँगा। नवयुवक प्रसन्न होकर बोला, जाओ जल्दी जाओ और पानी ले आओ। युवक देहाती के साथ एक और चला गया। 20 मिनट पश्चात दोनों लौटे। देहाती के हाथ में जल से भरा लोटा था। नवयुवक ने पूछा, पानी कहाँ मिला? उसके साथी ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर एक कुआं है, परंतु वह ऐसे स्थान पर है कि अनजान को पता नहीं लग सकता। खैर, अब तो तुम देख ही आए हो। इतना कहकर नवयुवक ने पानी पिया। संतोष का दीर्घ निश्वास छोड़कर रेशमी रुमाल से मुंह पोछता हुआ वह बोला, अब जाकर होश ठिकाने हुए। उफ़, मनुष्य एक साथ कितना शक्तिशाली और कितना शक्तिहीन है। शक्तिशाली इतना कि ईश्वर तक को वश में कर लेता है, और शक्तिहीन इतना कि पानी जैसी चीज़ ना मिलने पर व्याकुल हो जाता है। यह कहकर नवयुवक ने अपने साथी से कहा, इस देहाती को एक अशर्फी दे दो। साथी ने जेब से एक अशर्फी निकालकर देहाती की ओर बढ़ाई। देहाती ने अशर्फी की ओर देखकर पूछा, यह किस लिए? पानी का मूल्य, नवयुवक बोला। देहाती मुस्कुराया और बोला, ईश्वर ने पानी इसीलिए नहीं बनाया कि वह बेचा जाए, उस पर सबका समान अधिकार है। ईश्वर की बनाई और दी हुई वस्तु का मूल्य मैं कैसे ले सकता हूँ? नवयुवक कुछ क्षणों तक अवाक होकर देहाती की ओर देखता रहा, फिर बोला, यह पानी का मूल्य नहीं, तुम्हारे परिश्रम का पुरस्कार है। मेरे परिश्रम का पुरस्कार? मैंने परिश्रम ही कौन सा किया है? प्यासे को पानी पिलाना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, कर्तव्य में पुरस्कार का क्या काम? देहाती ने हैरानी से कहा। खैर, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा हम पर एहसान रहेगा। ना ना, यह एहसान का काम नहीं। अच्छा, और कुछ हुक्म है? कुछ नहीं। किस गांव में रहते हो? चंदनपुर में। अच्छा, तो जाता हूँ, प्रणाम। देहाती चल दिया। उसके दूर निकल जाने पर नवयुवक ने कहा, यह देहाती है, परंतु इसका हृदय कितना विशाल है। मैं तो उसकी बातें सुनकर दंग रह गया। जिस समय वह पुरस्कार की बात कर रहा था, उस समय मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं उसके सामने एक बहुत ही तुच्छ आदमी हूँ। नवयुवक के साथी ने कहा, बात तो ठीक है, मैं भी निरुत्तर हो गया था। 5 वर्ष बीत गए। चंदनपुर तथा उसके समीपवर्ती गांव में अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ गया। इधर राजा की ओर से लगान वसूली के लिए सख्ती होने लगी। गांव में त्राही त्राही मच गई। अंत में जब राज कर्मचारियों का अत्याचार असह्य हो उठा, तो एक दिन चंदनपुर के वृद्धों की पंचायत हुई। इस पंचायत में हमारा पूर्व परिचित युवक भी था। कौन सा? जिसने पानी पिलाया था, वह देहाती। गांव के मुखिया ने कहा, क्यों भाइयों, अब क्या होगा? फसल हुई नहीं, हम लोगों के बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, इधर सरकारी लगान के लिए राज्य के कर्मचारी हम पर घोर अत्याचार कर रहे हैं। एक ग्राम निवासी बोला, बड़े महाराज तो बड़े दयावान थे, वे होते तो यह कभी ना होता। खैर, अब तो है नहीं, उनके पुत्र हैं, उनसे कोई आशा है? मुखिया ने पूछा, हमारी समझ में तो कुछ आदमी जाकर महाराज से प्रार्थना करें, शायद वे कुछ दया करें। एक ने कहा, तो फिर यही होना चाहिए कि कुछ आदमी महाराज की शरण में जाकर फरियाद करें। मुखिया ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ, यह बहुत ठीक है। इसके पश्चात प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ। हमारा वही पूर्व परिचित व्यक्ति भी चुना गया। उचित समय पर ये लोग महाराज की ड्योढ़ी पर पहुँचे, परंतु महाराज तक पहुँचना कठिन था। 3 दिन तक ये लोग महाराज के राज प्रसाद के सामने मैदान में पड़े रहे।
चौथे दिन मुखिया ने कहा, हम लोग इतना कष्ट सहकर आए फिर भी कोई लाभ नहीं, महाराज तक कोई हमारी खबर ही नहीं पहुंचाता। क्या बताएं, ऐसा अंधेर तो कहीं नहीं देखा, फरियाद करने आए तो फरियाद भी नहीं सुनी जाती। हठात वही युवक बोल उठा, शाम को महाराज की सवारी इधर से निकलती है, वही महाराज है ना, आज मैं महाराज से बात करूंगा। शाम को निश्चित समय पर महाराज की सवारी निकली। एक बढ़िया फिटन पर महाराज सुशोभित थे, फिटन पर चार घोड़े जुते हुए थे, चार सवार पीछे और चार आगे चल रहे थे। युवक पहले ही सड़क के निकट आकर बैठ गया। ज्यों ही महाराज की फिटन आई त्यों ही वह लपक कर सड़क के बीचों बीच लेट गया। सवारों ने हटो हटो कहा पर वह निश्चल पड़ा रहा। परिणाम यह हुआ कि सवार भी रुक गए और फिटन भी रुक गई। दो सवार घोड़ों से उतर पड़े और उन्होंने ठोकर मार कर युवक को उठाना चाहा, परंतु वह पड़ा ही रहा। अंत में उन्होंने उसके दोनों हाथ पकड़कर उठाया। महाराज ने फिटन पर से कहा, कौन है, इसे हमारे सामने लाओ। युवक सिर झुकाए खड़ा था, उसने सिर उठाया और महाराज की ओर देखा। महाराज के मुख पर दृष्टि पड़ते ही वह चौंक उठा। उसने देखा महाराज और कोई नहीं, वही नवयुवक है जिसे उसने 5 वर्ष पहले जंगल में पानी पिलाया था। परंतु उसने इस विस्मय को तुरंत दबा लिया। महाराज ने पूछा, तू कौन है? सरकार, मैं चंदनपुर का रहने वाला हूँ। हम 5 आदमी 3 दिन से यहाँ पड़े हैं, श्रीमान के पास फरियाद लेकर आए हैं। क्या फरियाद है? युवक ने अपने गांव की दुर्दशा और राज कर्मचारियों के अत्याचार का सब वृत्तांत कह सुनाया। महाराज बोले, अच्छा, हम कल तुम्हारी फरियाद का जवाब देंगे। इसके पश्चात महाराज ने एक सवार से कहा, इसकी और इसके साथियों की मेहमान खाने में रुकने की व्यवस्था करो। दूसरे दिन प्रातःकाल महाराज ने केवल युवक को एकांत में अपने पास बुलाकर पूछा, तुमने हमें पहचाना? युवक बोला, हाँ धर्मावतार, कल ही पहचान लिया था, यदि मैं तुम्हें ना पहचानता तो? महाराज ने कौतूहलवश पूछा, तो क्या? कुछ नहीं, कम से कम तुम्हें अपनी पहचान तो देनी चाहिए थी। धर्मावतार, मैं उस तुच्छ बात की याद दिलाकर कुछ नहीं कहना चाहता था, मेरा जो कर्तव्य था मैंने किया, और अब श्रीमान से भी यही प्रार्थना है कि श्रीमान अपना कर्तव्य पूरा करें। यदि श्रीमान अपना कर्तव्य पालन करेंगे तो मेरे ऊपर भी श्रीमान का कोई एहसान न होगा। महाराज युवक की स्पष्टवादिता देखकर स्तंभित रह गए। बड़ी देर बाद बोले, अच्छा, इस फसल की मालगुजारी माफ की जाती है, यह तो हमारा कर्तव्य हुआ, और भविष्य में भी चंदनपुर की मालगुजारी सदैव के लिए माफ की जाती है। यह कहकर महाराज ने युवक की ओर इस प्रकार देखा मानो वे उस पर अपना एहसान लादने में सफल हुए। परंतु युवक तुरंत हाथ जोड़कर बोला, नहीं दयानिधान, ऐसा ना कीजिए, ऐसा करके श्रीमान हमें अपनी सेवा से वंचित रखेंगे। राज्य का कर देना हमारा कर्तव्य है, हम इस कर्तव्य का पालन अवश्य करेंगे। यदि ईश्वर हमें देगा तो हम श्रीमान की सेवा अवश्य करेंगे। केवल यही एक बात है जिसके द्वारा हम श्रीमान के श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि चढ़ाते रहते हैं, अतएव इस सौभाग्य से हमें वंचित मत कीजिए, यानी कि लगान माफ़ कर दीजिए सिर्फ इसी वर्ष के लिए, आगे के सारे वर्षों के लिए आप लगान माफ़ मत कीजिए, क्योंकि कर देना हमारा कर्तव्य है। तो उस युवक ने राजा के एहसान को अपने ऊपर चढ़ने नहीं दिया। महाराज कुछ क्षणों तक स्थिर दृष्टि से देखते रहे, फिर बोले, तुमने मुझे परास्त कर दिया, अच्छा जाओ, जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो। और इस कहानी के लेखक हैं बच्चों विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। तो बच्चों, देहाती ने पानी पिलाकर
अपना कर्तव्य पूरा किया और राजा ने लगान माफ कर कर अपना कर्तव्य पूरा किया। तो यहाँ दिए हुए हैं कुछ कठिन शब्द जो आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखने हैं। ऋतु, तप्त, शिकारी, पोशाक, दोनाली, धनाढ्य, हठात, किंचित, मूल्यवान, अधीर, जीन, पश्चात, देहाती, इनाम, विषादपूर्ण, अनजान, संतोष, शक्तिशाली, शक्तिहीन, व्याकुल, अशर्फी, क्षण, अवाक, परिश्रम, पुरस्कार, तुच्छ, निरुत्तर, समीपवर्ती, अनावृष्टि, परिचित, अत्याचार, फरियाद, ड्योढ़ी, परिणाम, वृत्तांत, कौतूहलवश, प्रार्थना, कर्तव्य, स्तंभित, परास्त और श्रद्धांजलि। आगे चलते हैं। यहाँ है शब्द अर्थ जो आप याद भी करेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखेंगे भी। तप्त का अर्थ है गर्म, ड्योढ़ी दरवाज़ा या फिर हम कह सकते हैं दहलीज, पोशाक पहनावा, राजप्रसाद राजा का महल, धनाढ्य धनी, फिटन बग्घी पुराने ढंग की घोड़ा गाड़ी, हठात ज़बरदस्ती अचानक, निश्चल बिना हिले डुले, फील्ड ग्लास दूरबीन, किंचित थोड़ा कुछ, वृत्तांत किस्सा, मूल्यवान कीमती, धर्मावतार धर्म के अवतार, अधीर व्याकुल या बेचैन, कौतूहलवश उत्सुकता के साथ, देहाती गांव का रहने वाला, स्पष्टवादिता सीधी बात करना, विषादपूर्ण दुखी, अशर्फी सोने का सिक्का, स्तंभित हैरान स्तब्ध, अवाक चकित, मालगुजारी सौदा बेचने का कर, तुच्छ छोटा, परास्त पराजित। अब हम करते हैं बात पाठ की, बताओ क्या पढ़ा। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी कितने प्रतिशत बचा है? 2.7% पानी पीने योग्य बचा है। चारों घुड़सवारों का वेश कैसा था? चारों घुड़सवारों का वेश शिकारियों जैसा था और उनकी उम्र क्या थी? उनमें से 3 तो 25-25 वर्ष के थे और जो एक था उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी। नवयुवक के गले में क्या था? नवयुवक के गले में फील्ड ग्लास था, वो जो दूरबीन होती है ना वो था। नवयुवक के अशर्फी देने पर देहाती ने क्या जवाब दिया? नवयुवक के अशर्फी देने पर देहाती ने मना करते हुए यह कहा कि ईश्वर ने पानी इसलिए नहीं बनाया कि उसे बेचा जाए। पानी पर तो सबका अधिकार है, ईश्वर की बनाई और दी हुई वस्तु का वह मोल कैसे ले सकता है? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। चारों घुड़सवारों को देखकर क्या अनुमान लगाया जा सकता था? कि वे धनाढ्य थे, मतलब पैसे वाले थे। फ्लास्क लेकर कौन चले गए थे? दोनों युवक जो कि अपने राजकुमार के लिए पानी ढूंढने गए थे। देहाती अपने साथ युवक को क्यों ले गया था? कुआं दिखाने के लिए, ताकि वह अपनी प्यास बुझा सके और नवयुवक के लिए पानी लेकर आ सके। देहाती के साथ पानी लेने कौन गया? युवक गया। निम्नलिखित वाक्यांश का भाव स्पष्ट करो। यहाँ दो वाक्य लिखे हुए हैं, हमें इनका भाव स्पष्ट करना है। पानी इतनी मूल्यवान वस्तु है, यह कभी कभी ही मालूम पड़ता है। जब हमें प्यास लगती है और हम प्यास की वजह से व्याकुल हो उठते हैं और हमें पानी जैसी चीज़ उपलब्ध ना हो, उस समय हमें पता चलता है कि पानी कितनी मूल्यवान वस्तु है। कर्तव्य में पुरस्कार का क्या काम? यदि हम किसी कार्य को करते हैं और उसे करना हमारा कर्तव्य है,
तो हमें उसके लिए ना तो पुरस्कार की आशा करनी चाहिए और ना ही किसी से पुरस्कार लेना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कर्तव्य में पुरस्कार का क्या काम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। दोनों घुड़सवार जीन बांधकर अपने अपने घोड़ों पर कहाँ चल दिए। दोनों घुड़सवार जीन बांधकर अपने अपने घोड़ों पर युवक के लिए पानी की तलाश करने चल दिए। देहाती ने नवयुवकों की मदद किस प्रकार की, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। देहाती ने नवयुवकों को यह आश्वासन दिया कि यहाँ पानी मिल सकता है और वह उनमें से एक युवक को कुएं के पास ले गया और वह युवक और देहाती नवयुवक के लिए पानी ले आए। इस पर युवक ने उन्हें पुरस्कार स्वरूप अशर्फी देनी चाही। अशर्फी देख देहाती ललचाया नहीं, इससे उसकी कौन सी विशेषता उभर कर सामने आई। जब युवक ने देहाती को अशर्फी देने का प्रयत्न किया तब देहाती ने अशर्फी को स्वीकार नहीं किया। इससे हमें यह पता चला कि देहाती कर्तव्य परायण और ईमानदार इंसान था। उसे पता था कि यह उसका कर्तव्य है, प्यासे को पानी पिलाने का पुरस्कार उसने स्वीकार नहीं किया। युवक महाराज की फिटन के आगे आकर क्यों लेट गया। युवक के गांव में अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ गया था। वे महाराज के पास अपना कर माफ करने की फरियाद लेकर गए थे। 3 दिन वे महाराज के महल के आगे मैदान में पड़े रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी फरियाद नहीं सुनी। महाराज तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वह युवक महाराज की फिटन के आगे आकर लेट गया। महाराज पर दृष्टि पड़ते ही युवक क्यों चौंक उठा। महाराज पर दृष्टि पड़ते ही युवक को ज्ञात हो गया कि यह वही युवक था जिसे 5 वर्ष पूर्व उसने जंगल में पानी पिलाया था। परंतु उसने तुरंत ही अपने इस विस्मय के भाव को दबा लिया और महाराज के आगे अपनी फरियाद रखी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इससे हमें क्या मिला सीखने को? कि हमें पानी की एक एक बूंद बचानी चाहिए, उसके महत्व को समझना चाहिए और हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।